जब भी कोई हंसता खिलखिलाता आदमी इस दुनिया से टेह बोलने वाला हो तो दुख तो होता ही है। है कौन? वो आप ही हो। अगर तुम्हारे इस खून का इल्जाम को अपने सर पे ले ले तो तुम क्या दोगे उसको? मैं उसे दौलत से मालामाल कर दूंगा। अरे भैया, दरअसल वो रिपोर्ट किसी और आदमी की थी, उसका भी नाम इत्तेफाक से विभूति नारायण मिश्रा था। आपकी रिपोर्ट मेरे हाथ में और बिल्कुल क्लियर है। आपके पति को फांसी से कोई बचा नहीं सकता। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। मिलोर्ड, मैं अब इस अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करना चाहता हूं जिसे देखकर चिनॉय सेठ और बिट्टू मुतरेजा के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। अरे बाबा, तो कीजिए ना पर्दाफाश, कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? यस मिलोर्ड। मिलोर्ड, ये है वो सबूत। मिलोर्ड, ये है वो सबूत। ये वो कोट है जिसे पहनकर चिनॉय सेठ ने कांतिलाल का कत्ल किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं मिलोर्ड, इस कोट का एक बटन टूटा हुआ है, जो कि मैं अदालत के सामने पहले ही पेश कर चुका हूं। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। मेरे पागल दोस्त है, मतलब कि मेरे काबिल दोस्त इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं कि ये कोट मिस्टर चिनॉय का है? क्योंकि जे कोट कल रात मैंने इसके फार्म हाउस से चुराया था। जज साहब, जज साहब, ये लड़का झूठ बोल रहा है। अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ जज साहब। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है मिलोर्ड, मैं और अंगूरी जी विक्रम चिनॉय के फार्म हाउस में थे। हाँ, और ये चिनॉय सेठ भी वहीं पर था। नहीं जैसा, ये झूठ है। लेडीज प्लीज, आप मुझे ऐसे क्यों फंसा रही हैं? भगवान के लिए ऐसे मुझे झूठा मत फंसाइए। जैसा मैं अपने फार्म हाउस पे नहीं बल्कि अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे था। झूठ बोल रहे हैं जैसा ये। मिलोर्ड, जैसे कि ये दो मोहतरमाएं अभी अभी भरी अदालत में ये कबूल कर चुकी हैं कि कल ये इस लौंडे के साथ मेरे क्लाइंट के फार्म हाउस में गई और उस लौंडे ने मेरे क्लाइंट के गैर मौजूदगी में वहां चोरी की। तो मिलोर्ड, ये सीधा सीधा चोरी का केस बनता है। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन दोनों मोहतरमाओं पर और उस लौंडे पर चोरी का केस चलाया जाए। मिलोर्ड, इल्लू तू तो गयो सारे। यार, मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, मेरे काबिल दोस्त केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोर्ट चिनॉय सेठ का ही है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये कोर्ट मिस्टर विक्रम चिनॉय का है? क्या इसमें उनका नाम लिखा हुआ है? ये कोर्ट विभूति का है मिलोर्ड, और वो बटन जो अदालत में पहले पेश हो चुका है उस पर भी वी लिखा हुआ था। वी यानी के विभूति है, नॉट विक्रम। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, मैं कोट वोट नहीं पहनता। I wear very trendy clothes, sir. Very trendy clothes. As you can see. See. अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मिलोर्ड। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आप इसी वक्त जज साहब के सामने इस कोट को पहनिए। अगर ये आपको फिट आ जाता है तो मैं मान लूंगा कि ये कोट आपका है, कत्ल आप ही ने किया है। But I don't wear such clothes, okay? I don't wear them. पहन लो ना। What's wrong with you? अरे विभूति नारायण जी, कोट पहन के दिखाइए। साहब कैसे पहनूं, हाथ में हथकड़ी लगी है मेरे। अरे भाई हथकड़ी खोलो इनकी। जज साहब इस कोट का साइज देखिए, मैं इस कोट में दो बार आ जाऊंगा, ये देखिए। ऑर्डर ऑर्डर। मिलोर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा मुवक्किल कितना ढीला है, मेरा मतलब है कोर्ट कितना ढीला हो रहा है इन पे।
और बिल्कुल पूरी तरह से साबित हो गया है कि ये कोर्ट इनका नहीं है। अब मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इसी कोर्ट को चिनॉय सेठ पहने और हमें दिखाएं कि कितना फिट आता है। मिस्टर चिनॉय आइए और जरा कोर्ट पहन के दिखाइए। मैं? अरे आइए ना। आइए आइए पहनिए, मैं हूं ना। आइए। देखा आपने, कातिल यही है चिनॉय सेठ। मिलॉर्ड, अगर कोई कोट किसी को फिट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोट उसी शख्स का है। ये कोट चिनॉय सेठ का ही है। ये कोट मिस्टर चिनॉय का नहीं है और ये बात साबित करने के लिए मिलॉर्ड मैं धब्बेदार चाचा को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। मुझे क्यों बुला रहा है? अरे आइए ना चाचा जी, आइए ना। अरे वो बदतमीज चाचा, इधर आओ, कोट पहनो। जाइए अब। क्या क्या है? अरे तुम लोग भी ना जाइए क्या यार? अरे यार रुक। आइए आइए। चाचा जी ये कोट पहनिए चाचा जी। अरे मैं क्यों पहनू ये कोट? अबे पहन ले। No. अरे वाह, what a fit! कैसा लग रहा हूँ? बहुत घटिया लग रहे हो। मिलॉर्ड, ये कोट तो चाचा जी को भी फिट हो गया, तो क्या मैं ये मान लूँ कि ये कोट चाचा जी का है, यानी कि वो कत्ल भी चाचा जी ने किया है? अबे क्या कह रहा है तू? क्या क्या कह रहा? देखिए मैं अय्याश जरूर हूं लेकिन कातिल नहीं हो सकता। साहब ये महज इत्तेफाक है, ये कोट मुझे फिट आ गया। बस मिलॉर्ड, ये भी महज एक इत्तेफाक है कि ये कोट मेरे क्लाइंट मिस्टर विक्रम चिन्नॉय को फिट आ गया। ये कोट विभूति का है। मिलॉर्ड, मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब आपने कत्ल होते हुए की फोटोग्राफ देख ली, चश्मदीद गवाह आपके सामने है, सारा केस खुल चुका है, तो आप फैसला क्यों नहीं सुना रहे? मिलॉर्ड, क्यों नहीं सुना रहे? क्या क्या मैं ये मान लूं कि कानून वाकई अंधा है? मिलॉर्ड, पेश किए गए सबूत और गवाहों के प्रकाश में ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुलजिम विभूति नारायण मिश्रा मकतूल कांतिलाल के कत्ल के दोषी हैं। अदालत इसकी सजा कल सुनाई। द कोर्ट इज एडजर्न। पगलेट, अभी बच्चे हो, समझे? कोर्ट संभाल लो। आई लाइक इट। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अनीता जी। कैसे शांत हो जाऊं गुरी जी, कैसे शांत हो जाऊं? कल अदालत बिबू को फांसी का फैसला सुना देगी, क्या होगा? कैसे रहूंगी मैं बिबू के बिना? चिंता मत कीजिए भाभी जी, हम हैं ना, मतलब हम और अंगूरी है ना। तिवारी जी, मुझे पता है आप और अंगूरी जी मेरे लिए हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए विभू की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता ना। आप इजाजत दे तो वो कमी भी पूरी कर देंगे भाभी जी। जी हमने कहा हम भभूति जी की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम और अंगूरी जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे भाभी जी। थैंक यू तिवारी जी। लेकिन अगर कल विभू को फांसी की सजा सुनाई गई तो मैं उस बिट्टू मुतरेजा को छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी मैं उसकी। भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम विभूति भैया को कछु ना होने देंगे।
भाभी जी, हम वहां जज की छोरी को उठा लेंगे। भाभी जी, हमको पता है कि वह छोरी कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। भाभी जी, हमने वहां जज की छोरी को फोटो खींचो तो 3-4 दिन पहले। जी देखो भाभी जी, हम बा जज की छोरी को किडनैप कर लेंगे और डिमांड रखेंगे कि कल कोर्ट में वो जज के सामने विभूति भैया को निर्दोष साबित कर दे। फिर देख लेना विभूति भैया बाहर। नहीं ठीक है, नहीं मलखान, ये गलत है, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। माय गॉड, क्या हुआ नीता जी? गुरुजी देखिए, खुद देखिए। गुरुजी भाई का हाथिया। भाभी जी, हमें कैसे कहा है? देखो देखो, ये देखो। ओह माइंड ब्लोइंग। भाभी जी, ये कब खिंच गो? हमें तो पता ही ना चलो। ठीक है मलखान, तुमने अनजाने में आज मेरे सुहाग को बचा लिया है, थैंक यू। अब तुम देखना, कल कोर्ट में मैं ये मोबाइल पेश करूंगी। मैंने कहा मिस्टर चिनॉय, आप केस जीत रहे हैं। अरे वकील साहब, पहले केस का फैसला तो आ लेने दीजिए। फैसला तो अब महज औपचारिकता है, आप शाम की पार्टी की तैयारी कीजिए। जी, जश्न करेंगे, जश्न। भैया विभूति, तुम सच में यार बहुत याद आओगे हमें। कैसी बातें कर रहे हैं हुसैन जी, अभी फैसला नहीं आया है। भैया विभूति, अब तो बच्चा बच्चा जानते हुए कि तुम्हारा फैसला कब होगा। सोचो, सही कह रहे हैं हुसैन जी, कुछ ही देर में मेरी मौत का फरमान आ जाएगा। आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। बोलो बोलो बोलो। आप मेरे अन्नू का ख्याल रखिएगा। भैया विभूति, तुम बिल्कुल चिंता ना करो यार, अन्नू को तो हम पूरा गोरी मैम को तो हम पूरा ख्याल रखेंगे, पल भर की कमी ना महसूस होने देंगे तुम्हारी। अब सिंह जी, एक छोटी सी गुजारिश और है आपसे। बोलो बोलो। अन्नू के पास किसी अहरे गहरे नत्थू खैरे को फटकने मत दीजिएगा। माय गॉड। अरे यार, अहरे गहरे की बात कर रहे तुम, हमारे होते हुए गोरी मैम के पास कौन उन्हें फटक पाएगा। तुम आराम से जाओ, लेकिन सुनो, तनक लटकने से पहले कुछ कह के जाइयो उनसे। क्या कह के जाओ? हमारो तनक ध्यान रखें यार। चुप। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। बैठ जाइए आप लोग। इससे पहले कि अदालत आपको सजा सुनाए, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है विभूति नारायण? इतने दिनों से मैं सफाई पेश करने की कोशिश तो कर रहा हूं मिलॉर्ड, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर। लेकिन अदालत मेरी बात सुन कर रही, उसे सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। मिलॉर्ड, मैं पूछता हूं कि क्या इंसान की जबान की कोई कीमत नहीं? क्या सबूत तय करेंगे इंसान गुनहगार है या बेगुनाह? मैं एक बार और पूछता हूं आपसे प्लॉट कि क्या गारंटी है कि जो सबूत मेरे खिलाफ पेश किए गए हैं वो सारे पुख्ता और सही है? कोई सबूत नहीं है मिलॉट, कोई सबूत नहीं है। अपने संदेह कानून की आंखों से पट्टी खोलिए मिलॉट, ताकि वो देख सके कि कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह है। आखिर कब तक मिलॉट, आखिर कब तक ये अंधा कानून अपने आंखों पर छोटे सबूतों की पट्टी बांधे हम जैसे बेगुनाहों को सजा सुनाता रहेगा? आखिर कब तक, कब तक, कब तक? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बोलिए, और कुछ बोलना है? बोल के क्या फायदा मिलॉर्ड, सुनना तो है नहीं किसी ने हमारी। जब आप इस बात को जानते हैं तो फिर काहे के लिए अपने कानून छांट रहे हैं? चुपचाप खड़े रहिए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल कांतिलाल का खून मुजरिम विभूति नारायण ने ही किया है। इसलिए यह अदालत विभूति नारायण मिश्रा वल्द आहुति नारायण मिश्रा को
ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा देती है। And till death. ये कलम फिर टूट क्यों नहीं रही है? रुक जाइए मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आपकी कलम एक बेगुनाह को सजा सुनाकर नहीं टूट सकती। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पति विभूति नारायण मिश्रा बिल्कुल बेकसूर है। उन्होंने खून नहीं किया, खून किया है विक्रम चिनॉय ने। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये अदालत की तोहीन है। जब आप फैसला ले चुके उसके बाद एक मिनट, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। यह अदालत है, कोई कत्लगाह नहीं है। यहाँ बगैर सोचे समझे किसी की गर्दन काट दी जाए। लेकिन मिलॉर्ड, आपने भी तो सोच समझ के ये फैसला लिया है। अरे तो फैसला हमसे गलत भी तो हो सकता है। बैठिए। मोहतरमा, आपके पास जो भी पुख्ता सबूत है उसको बजरिए वकील अदालत के सामने पेश किया जाए। जी जी जी, सकते ना जी। ये देखिए, ये फोटो देखिए और इसे जूम करके देखिए। देखिए, ये देखिए, मिलॉर्ड, अभी अभी जो मैंने आपके हाथ में दिया है वो एक ऐसा सबूत है जिससे कि पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। Oh my God! किसने खींची ये फोटो? जज साहब, टीका मलखान ने। सर, सर जी, मिलॉर्ड आपसे दरख्वास्त है कि आप इस फोटो को जूम करके देखिए जरा गौर से। Oh my God! इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि चिनॉय कांतिलाल का खून कर रहा है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अरे तेरा ऑब्जेक्शन क्या घुइया के खेत में? बैठ। इस तस्वीर ने केस को आईने की तरह साफ कर दिया है, इसलिए ये अदालत विभूति नारायण मिश्रा से माफी मांगती है अपने गलत फैसले के लिए। इस तस्वीर को देखने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि कांतिलाल का खून विभूति नारायण मिश्रा ने नहीं बल्कि चिनॉय ने किया था। ऑर्डर, ऑर्डर। इसलिए यह अदालत अपने पहले फैसले को और पहले सजा को तरमीम करते हुए चिनॉय को दोषी करार देती है और फांसी की सजा मुकर्रर करती है। और विभूति नारायण मिश्रा को बाइज्जत बरी किया जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर। इस फैसले के साथ साथ यह अदालत एक फैसला और भी सुनाती है। अदालत को बहुत खुशी है कि टीका और मलखान ने यह फोटो पेश करके एक निर्दोष की जान बचाने में अदालत की मदद की। क्या बात है भाई, अदालत तुम्हें इनाम देने वाली है। माय बाप, हम बहुत गरीब हैं, आप खुल के दीजिएगा जो दे रहे। इस फोटो में जो लड़की दिखाई दे रही है वो मेरी बेटी है। पता है जैसा खबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तस्वीर खींचने की बगैर इजाजत उसके? इसलिए मैं टीका और मलखान को
7 दिन की कैद बामशक्कत देता हूँ। और टिल्लू, इसने भी चिनॉय सेठ के फार्म हाउस से कोट चोरी किया, इस जुर्म में इसको भी 7 दिन कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है। The court is dismissed। और खींच लो फोटो तुम दोनों। अरे मना करी थी ना, तेरे फोटो से मन नहीं भर तो। बेटी को जानते, बेटी को जानते, और बोल ले, दे दे इंट्रोडक्शन अपना। है वो सर, है वो। I like it. I like it.